वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बरनहि सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बरनहि सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। शंकर जानते ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं और दूसरा कह रहे हैं गरुड़ जी खगे काकभूषण जी सुना रहे हैं गरुड़ को काकभूषण जी गरुड़ को सुना रहे हैं रामायण नहीं समझा और वाल्मीकि ऋषि भारद्वाज को सुना रहे हैं वाल्मीकि ऋषि भारद्वाज को सुना रहे हैं भारद्वाज वो शोभा आगे बोलो समाज सुख कहत न बनई खगेश खगेश पक्षियों का राजा है गरुड़ तो गरुड़ जी को ये कौन सुना रहा भैया काकभूषण जी कह रहे हैं हे खग खगों के ईश्वर पक्षियों के ईश्वर हे खगेश हो काकभूषण जी सुना रहे गरुड़ को ये रामायण वो जो शोभा है ना जो राम को राजगद्दी पर बिठाया और जो कसाई राज कर चूड़े कसाई राज गऊ पे गर्म पानी डाल डाल के गऊ को मार रहे जो कसाइयों से बढ़ गए कसाई भी ऐसा नहीं करते जो कसाइयों से बढ़ेगा नहीं तो जो राम राजा थे उसका तो कोई राम के राज में तो कोई प्राणी दुखी नहीं था वो शोभा काकभूषण करते हैं करो वो जो राम की शोभा है ना राम को वो नहीं बता सकते वो शोभा खगे सुख हो हे खग पक्षियों के राजा गरुड़ खगे ना गरुड़ का है वो जो शोभा है राम के राज की वो शिवजी जान हम बता नहीं सकते राम राज की शोभा को सुख को बता ही नहीं सकते नहीं कर सकते वो तीनों चले गए दोनों अभी गए नहीं किधर है खा की खा रहे अच्छा चंगा अच्छा जी हाँ वो शोभा खगे काटना बंद खगे हम नहीं कर सकते हम नहीं बता सकते काकभूषण कहते हैं हे गरुड़ो वो हम नहीं बता सकते ये काटना बंद खगे वो जो शंकर उस शोभा को तो शंकर जानते अभी कोई आदमी कह रहे ना किसी शेष को मैं राम आया है जो बड़ा करोड़ मुझे जो मजू में मिला दूँ शेष कहेगा ले करोड़ ये ले राम आ गया भाई परमात्मा अरे भगवान आ गया कोई आदमी कहता है भाई वो शेष जी करोड़ रुपया दे दे भाई भगवान आ गया मिला ये करोड़ भगवान आ गया भगवान की शोभा का जो सुख है जिसको भगवान का दर्शन हुआ है और हम तो ये कहते हैं आ भी भगवान और जरा बैठा होते भी वो ही भगवान है पर ये जगह लोग हर तू नहीं जाना मैं तेरे मार देगा ये शैतान बन हम तो कहते यही भगवान बैठा ओए तू नहीं जाना मैं तेरे हाथी मार देगा शराब दे के मार देगा तो हम तो कहते हैं ये भगवान है पर ये चूड़े बने जब लड़ते हैं ना तो ये चूड़े बने ओए तू नहीं जाना मैं तेरे शराब दे के हूँ मार देगा ये चूड़े बन जाते भगवान ही बने हैं भगवान
सोना असली है, पहचान जो है ना सुनारे को है। हमारे सामने सच्ची में बात कहूँ, कोई पितल रख देना हमको पहचान, पितल सुन के हमको कोई पहचान। वो आरती की शम आ रहे हैं, सोने जैसे ही आरती की शम। क्या आरती की शम गाने आ रहे हैं सोने जैसे, वो दो चार रुपए की। हाँ भैया, तो उसको सोने के पहचानने वाले को क्या कहते हैं? कीमिया है, कीमिया सुनार जो है, कीमिया सुन। और कुछ कह रहे गुरु जानता है ये राम है, ये भी राम है, गुरु को पर ये भी राम, ये भी राम, ये राम, ये राम। जो शैतान है ना, शैतान कह रहा मैं तुम्हें अभी रात रात में मार दूंगा। गुरु का मन मरा हुआ है, चेलों का मरा हुआ नहीं, चेले हराम ही है। एक बात करने से तो रमेश मर गया। रमेश ने कहा ना मैं मार दूंगा, तेरी नाड़ काट दूंगा। पंडित को कहता तो तेरी नाड़ काट के जाऊंगा। पंडित को कहा ना गोविंद को तुमको मार दूंगा। ज्वारी जानता है सब राम। एक बात और सुन लो, ये असली जमीन में तुमको बुला रहा हूँ। कुत्ते का पुत्र कुत्ता होता है, सुअर का पुत्र सुअर होता है, गऊ का पुत्र गऊ, हंस का बच्चा हंस है, राम का बच्चा राम। ते हाँ राम का, गऊ का बच्चा गऊ। तो अब राम का बच्चा तुम मार, राम हमारा पिता है, राम हम राम के पुत्र हैं, हम राम हैं। शहनशाह का बेटा शहनशाह होता ही है, अब शहनशाह के बेटे हो, बादशाह का पुत्र बादशाह होता है। जैसे हमारे पिता का नाम था बाला राम। वो शोभा खगेश को कहन बनी खगेश हो, बरनई सारद श्रेष्ठ श्रुति काक भूषण जी। ये गरुड़ को सुना रहे हैं, ये रमेश खगेश नाम गरुड़ का है, खग नाम पक्षी का है, पक्षियों के ईश्वर गरुड़। गोसाई तुलसीदास जी हमको सुना रहे हैं और वाल्मीकि जी सुना रहे हैं भारद्वाज को, वाल्मीकि ने किसको सुना? वाल्मीकि ने तो सारे संसार को सुनाई रामायण। ऐ तेरी ऐसी तैसी सुनो, लव और कुश को सुनाई और सिखाई वाल्मीकि ने, लव और कुश को सिखाया। भाई ठीक है, वाल्मीकि बोले शंकर माता पार्वती को सुनाई, लव कुश को बुझाइए, ये बात ठीक है, लव कुश को रामायण बुझाइए वाल्मीकि, ये बात ठीक है। राम जी ने भगवान को है, काक भूषण जी ने गरुड़ को तुलसीदास ने सारे संसार और हम तुमको एक शंकर भगवान ने पार्वती को, शंकर ने पार्वती पुराना है, शंकर भगवान ने ये रमन किसको सुनाए? पार्वती। तो अब ये जो है ना, इस जगह जो हम पाठ है ना, इस जगह ये है कि काक भूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी, शंकर भगवान जानते हैं पार्वती शंकर हमें, वो जो राम के दर्शन का जो सुख है ना, वो शोभा राम के दर्शन की महिमा सुख हो है, तो शंकर ये किसने कहा? काकभूषण ने कहा गरुड़ को, और यागोलक ने कहा यागोलक भारद्वाज को सुना रहे। यागोलक जी कहते हैं हे भारद्वाज, भगवान के मिलने का जो सुख है ना, शंकर भगवान पार्वती कारण बने, हम ही कह सकते, हम नहीं बता सकते। वाह, की गाड़ी भैया की गाड़ी पड़ेगी, दो मिनट के लिए हो गया।
टम्पू आया वड्डा गड्डी हटानी पई करते चंगा कम करो बीच में बिगन होते खगों का जो राजा है ना गरुड़, उसको ये रामायण काकभूषण जी सुना रहे। काकभूषण जी कहते हैं शंकर भगवान जानते हैं राम के दर्शन का जो सुख है ना। सूरस जान महेश वर्ण शारद शेष, ये भी वर्णन कर सकते पर बता नहीं सकते। आपको कह दिया अगली बार भगवान आ जाए, एक शेष को कहो बार भगवान आ गया, यह क्रोध हो गया भगवान का दर्शन करा रहे हैं। शेष नाग हो गए लक्ष्मण और शारदा गया ना बीच में, शारदा भगवान के दर्शन का सुख हो। महेश जानता है शारदा जिसको भगवान मिला है वही जानते हैं। मीरा को भगवान कृष्ण मिले, मीरा कृष्ण में समाप्त, फिर वो काम करो लो वो बसो करो। बिल्ली को राम मिले, बिल्ली काम करो लो वो सब करो। और जिनको नहीं मिला वो जाकर पैसे कमा तो मिला है। पर हनुमान जी ने सुमिर पान सुमिर पवन सत पवन नाम अपने बस कर रखे, राम को ही बस में कर लिया हनुमान जी ने। बर नहीं सारद शेष श्रुति सो रस जान महेश। हाँ सुन रहे, बर नहीं सारद शारदा माता भी वर्णन तो करती है पर पता उसको नहीं। शेष शेष नाग बर नहीं सारद शेष शेष नाग भगवान की शोभा का वर्णन करते हैं पर शेष कोई पता नहीं। श्रुति वेद भगवान की महिमा का पर वेदों को ही पता नहीं लगा। वो तो शिव जी महाराज है, भगवान के दर्शन का जो सुख है ना शंकर भगवान शंकर शिव जी जान मतलब। चलो है क्या अगला बोलो। अगला बोलो कर गए सुर निज निज धाम मंदिर वेद तब श्रुति का अर्थ वेद शहर से श्रुति अर्थ लेना वेद। वेद कहते हैं भगवान के में पर ए अंत वेद भी नहीं जा पा रहा। बंदी वेश बना गया, बंदी कहते हैं भाट भाट का वेश बना। शारद जो है वो सुरसुरी माता है। हाँ जी माता भी अंत नहीं पा सकती। उन्हें शारद शेष शेष नाग भी भगवान की महिमा का वर्णन कर पर शेष भी अंत नहीं पा सकता भगवान। हाँ जी महाराज उन्हें शारद शेष हो और तो शंकर भगवान जा रहे चलो आगे। हाँ ये पाठ किया है विद्वान है बने शारद शेष शारदा माता वर्णन करती है पर महिमा का अंत उसको नहीं मिला। वर्णन शारद शेष शेष नाग भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं हजार मूल शेष भी अंत नहीं पा सकते। वर्ण शारद शेष श्रुति श्रुति का अर्थ वेद वेद श्रुति वेद भी भगवान की महिमा का वर्णन कर वेद अंत वेद कहते मारा तुम मारा तुम वेद भी अंत नहीं ओ भगवान की महिमा का अंत शेष नाग जानते हैं भगवान महेश सोरस जान महेश जानते कहीं ये भी मिल सकता है भाई महेश भी जानते तो हैं पर बता नहीं सकते। ये भी कहीं मिल सकता है कि शिव जी जानते तो हैं पर वो भी बता नहीं सकते। भरत के बारे कहा है भरत अमित महिमा सुन रानी जाने राम भरत की महिमा को राम जानता है पर राम ही अपने मुँह से बता रहे जी बखान नहीं कर सकते जानते तो हैं।
ऐसे शंकर भगवान भी राम की महिमा को जानते तो भज अमित महिमा भज की महिमा है अपार जो इस मुंह से बताइए अमित नाम अपार भज की महिमा का पार कोई जनक जी रानी अपनी सीता की माँ जो है उसको बताए सीता की माँ सुनैना उसको जनक जी बताए जनक जी कहते हैं हे रानी सुनैना सीता की माँ को बता रहे भट की महिमा अपार है पार राम जानते जाने राम न सही भट की महिमा को राम जानता है पर राम ने अपने मुँह से बता नहीं सकते मैंने आपको कौन पढ़ाएगा ऐसी मैंने आपको कौन पढ़ाएगा आगे बोलो तो बाल लवकुश है तुम लवकुश और बाल्मीकि ऋषि स्वयं बैठे लवकुश को रमन जी पढ़ाइए बाल्मीकि ऋषि लवकुश को बाल्मीकि भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम मरी बेश भेद तब आए जन श्री राम हाँ भिन्न भिन्न स्तुति करो भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम सुर नाम है देवते देवते जुड़ा जुड़ा भगवान की उसी करके महिमा करके देवते अपने धाम को चले गए गए सुर नहीं सुर नाम देवते नहीं अपने अपने धाम को अपने अपने घर को देवता चले गए बंदी नाम है भट्टा भट्ट बन के भट्ट बन के आ गए राम चार चार वेद है ना चारों वेद भट्टन रूप बना के शक्ल बदल गई चार वेद भट्ट बन के आगे भगवान ने को डाले अयोध्या अयोध्या राम 14 वर्ष भोग के आए ना बन उस वेले की बात है जिस वेले राम 14 वर्ष वनवास पूरा करके आ गए ना उस वेले चारों वेद भट्ट बन के वो आ गए भट्ट लोगों ने ना भगवान बैठे है भट जाएगा सुन लो भक्त एक बात कहता हूँ मैं सुन लो काम लगाए ये जाने जान बैठे के भगवे चोले में छिपे सब भगवान भगवान चरण रथ से लगाया अहिल्या को पति द्वार पहुँचाया इन्होंने भगवान आया जूठे देर खाकर भिन्नी के प्यार नहीं ये नादान मगर हमारे बीच अच्छा। में बन के नादान बैठे प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा आदर कृपा निधान उन भट बन के भी आ गए चार वेद आ गए भगवान ने आओ आओ जी मां लस्सी पी लो घो खा लो उन सारे फल मैंने बांटे अपने घर मैंने एक भी नहीं रखा भगवान ने आदर किया भगवान बोलो प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान बहुत आदर किया मरम कछु लगे करण गुणगान हूँ इस भेद का पता लोगों को नहीं लगा भाई ये चार वेद भट्ट बन के आए यही तो रमेश कोई आसान है कोई थोड़ा चीजें पता नहीं लगता मैं तो उन्होंने कहा यदि अयोध्या वासी ने उन्होंने पता नहीं लगा
भाई ये चार वेद भट बन गया बीच ये अर्थ है ब्रह्मण का रूप धर के अपने लंदन पास करके आए रमेश पास करके तो नहीं आए क्यों जी अयोध्या वासियों को ये पता कोई नहीं लगा भाई ये चार वेद भट बन के आए बैठे पढ़ो लखे ना काहूं भरम कछु लगे करण गुणगान हूँ ओ चार वेद भगवान के गुणगान ये तो कहते महाराज तुझी बड़े त्यागी हो यूँ है महाराज तुझी संत हो ओ हूँ चार वेद भगवान की तारीफ महिमा गाने लग गया अच्छा बोल जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि इको छन सुन लो क्यों तुझी चपाट के अगर रक्षी अगर तुझी घर जाके पढ़ते कोई नहीं पढ़ी पढ़ाई पढ़ता इको छन सुन लो वो जय सगुण निर्गुण रूप हूँ एक वेद पहले बोलिया कुछ लिखे को नहीं कह वेद बोलिया वेद बोलिया वेद गुणगान करने लगे सारे अच्छा एक वेद बोलिया वेद चलो बोला अच्छा एक वेद कह दिया हे भगवान ये निराकार भी तू है ते ए साकार ए होने गया है ए चीने का दाना जितना है चीने बोया बोलो पीपल बन गया बोल चीने का चीने का जो दाना है ना वो बड़ा बन गया वृक्ष करोड़ों मरना पीपल जब बोल महाराज तू है निका बरीक दाना आए हूँ तो वृक्ष बन गए घोर तो भी बढ़िया बैठा है ये वासु बने गए राम जी सारा संसार है तू है हे राम तू निर्गुण भी तू है निर्गुण लाश बने ओ बरीक चीने दाना वो भीजा तो बोल 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 नहीं चीटी से भी सूक्ष्म कम जो है अजी कहने जिस वृक्ष के सारे भागवत सुनाई ना कहने अजी वो खड़ा है बिल्कुल खड़ा है दर्शन करने 5,000 साल से ऊपर होगी उसे 5,500 साल से ऊपर हाँ अजी तो वेद कहने भगवान तू निराकार तू है निराकार बड़ी और बोया बन गया बड़ा वृक्ष पीपल रहा बड़ा कि आज पीपल भी तू आया सारा संसार ना इधर की बन गया चैन जी तो तीन निशानियां की ना मनु चैतन्य चैतन्य प्रभु बढ़िया बैठा है रामदेव बढ़िया बैठा है हर रूप है जो एक तू बढ़िया बैठा संसार में तीन निशानी खड़ी है सतयुग की गंगा जी खड़ी है स्वामी जी बंद कर सर इस बंजन बंद कर दे सतयुग की गंगा जी खड़ी है बंजन बंद कर दे स्वामी जी सतयुग की गंगा जी गंगा माता प्रकट खड़ी है अभी और त्रेता युग की सरयू भी जिंदा खड़ी है और कलयुग का वो द्वापर का ये पेड़ खड़ा है रिश्वत वाला ये तीन निशानियां सतयुग द्वापर त्रेता की है अभी संसार में सतयुग की गंगा जी सारे अस्पताल पहाड़ सब तू है और जिस वेले भगवान खत्म करता है कहने सब कखने पानी पानी तू दस पढ़ लो अभी नहीं आया महाप्रलय आई ये भी तो सतयुग द्वापर त्रेता की निशानी पढ़ लो आवेगी ना कख नहीं रहेगा सब साफ ना घोर भी रहेगा ना मकान रहेगा ना पहाड़ ना गांव जल ही जल हो जाए जल पर ही पृथ्वी टिकी है जल ही जल हो जाए ऋषि मार्कंडेय ने इच्छा करी थी चलो वेद कह रहा है ओ निराकार भी तू है कि आ जरा साकार है ना तू ही तो ये विराट रूप बन जाना तू ही फिर सारे खत्म करके आओ निराकार बन जाना निराकार भी तू है साकार भी तू है अगर चलो
जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप सिरो मने महाराज सगुण रूप ही तेरा है ये सगुण रूप देख रहे हो जरा वो निराकार जरे सब खत्म न पृथ्वी रहेगी न सूरज न चंद्रमा वो रूप वो निराकार रूप वो भी तेरा हे राम तुम्हें रूप तेरे ने अनूप भूप सिरो मने दस कंध राधि प्रचंड निशचर प्रबल खल भुजबल हने जय सगुण निर्गुण रूप राम अनूप भूप तेरी उपमा कोई नहीं तू हो राजा बने बैठा अयोध्या जो हूँ तू बादशाह बने बैठा ये दो रूप तेरे साकार ये साकार रूप ही और मेरा काल जैसे तो सब खत्म कर के दस्कंदर को मार दिया ये दो ही रूप तेरे ये साकार रूप से देख रहे हो तो निराकार होता जल सब खत्म पृथ्वी भी खत्म पानी भी खत्म सूरज चंद्रमा शेष महेश सब संसार मेरे खत्म हो जाना है वो है निराकार हे राम ये दो ही रूप कौन आई तुम्हारे नमन कौन पुजाएगा दस ये गना कौन दसे ये रूप दो तेरे ने कभी तो तू निराकार बन गया कभी हूँ अयोध्या का राजा बना बैठा राजा बन के हम कह रहे कि दस्कंदर आदि हर राक्षस मार दे जैसे को निर्गुण रूप ना अनूप रूप सिरों ने तू अनूप तेरी उपमा कोई कह सकता मैं अनूप भूप शिरो शिरोमणि राजा हूँ तो बादशाह बन गया अनूप भूप शिरोमणि भूप नाम राजा अगर बोलो दस कंध आदि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने मेरा रावण नु मारना है छोटा है तो नहीं था 400 कोटे को फूल कौन बना सके 400 मील का छबर कमर लगला नहीं 400 कोस में 600 मील होता है अच्छा 400 कोस और कमर तो लगला नहीं बोल कौन बनाएगा ये पछड़ा थे सीमेंट को नहीं लाया राम राम नाम लिख के पछड़ा थे वो कोई बना लाया कोई सीमेंट को नहीं लाया ऊपर ही पैर थे दस कंध राधि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने हाँ वो पुल बना के ते रावण नु मार छड़या दस कंध नु मार छड़या हे राम तेरी महिमा दस कंध राधि प्रचंड निश्चर बड़े बड़े राक्षस कुंभकर्ण के सिर दे विच कंध ने भीमसेन गोते आ गए कुंभकर्ण की खोपड़ी खोपड़ी में जल भर गया बरसात द्रौपदी आ गई जा तालाब में स्नान करिया फिर ले जाने शस्त्र मंगे वो तालाब में गोते आ गए कैनो कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब गया भीमसेन भीमसेन हाँ फिर मनोदरी में कटिया उस बलान तुझे मारिया उसनों कुंभकर्ण के रावण फिर हाँ प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुजबल हने प्रबल रख भुजर ने बल ना मार कुंभकर्ण से रावण रावण उस तू बात क्या आई कुंभकर्ण तू ही बात क्या आई रावण अवतार नर संसार भार विभंजी दारुण दुख दहे अवतार लेके तुम आख्या राक्षस हेक नहीं छूंगा फिर मैंने लिखा निश्चयहीन करूँ वही संतानी हड़िया में के राम आख्या राक्षस हेक नहीं छोड़ा सब न मार सके हूँ जो राम आवे था राक्षस पाप हो रहे ना स्वामी जी संतान की पूजा हो रही राम की मैं उस टाइम में राक्षस संतान खा रहा
अवतार नर संसार भार विभंजी धारण दुख दहे। अवतार राम का अवतार लेके ते संसार के दुख मिटाए। अवतार नर संसार भार संसार पश भार उतारा राक्षस मारा। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमाम है। तो वेद के नया जय माता सीता जी भी जय जितवाई जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति शक्ति सीता माता है। हे दयालु हे राम चरिता सीता माता जी भी जय जय। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। हूँ तेरी माया के बस हो मुझे घोट लगे सारी उम्र तू एक मकान नहीं बनेगा ये ब्याह में कोठी बना ली ये बेचारा सारी उम्र बिन बिन गया सारी उम्र पिंदा रहा मेरी कोठी आप बना रहे उससे सारी उम्र पिंदा रहा तो इस तू एक मकान न बने माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। तेरी माया जो बस हो सुरासुर असुर नामे राखत असुर नामे देव देव ते के असुर राखत ये सब ते सुर नाग भी नाग भी तेरी माया। भव पंत श्रमत भव पंथ भ्रमत अमित दिवस दिवस निसि काल कर्म गुण रननी भरे। भव पंथ भव नाम संसार का संसार सारी दुनिया भटक गई। भव पंथ सारा संसार के शराब पी पी के मर जाए माया मरा बना सारा संसार माया अपन बनो रोज रात दिन दुनिया भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसी काल कर्म गुण रनि भरे। काल कर्म या कर्म दुनिया कर रही यार तेरी बहन तेरी मान ये कर्म है मोट लगी बिना काल तू बोल रही बहन तो मर तो क्या ही ये संसार भटक गया अभी आने सब राम है एक ना तेरी मान तेरी बहन जो नाथ करी करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्भय। जेना जे तू मैं आज जेना कीती ना को त्रै दुखा तू छोड़ के ओ संत बन गए भगत बन गए यूं तुम्हारे पिताजी भरत जी भरत भूमि भरत भैया है। हाँ जे नाश कर करना लोगे जिन पे करना करके देखा ना वो भट भैया बन गया। जे नाश कर करना करना जिन पे कृपा जिसने देखा वो संत बन गया वो भट भैया बन गया। भव खेद दुख तो नहीं त्रै प्रकार का दुख हो रहा है अरे आज हमारी हो सकते त्रै दुख होंगे एक हों देवत्या का राहू का बार एक शरीर की बीमारी एक हों मन दीमारियाँ तिवर दुख जिन मेहर की जगह ना वेख्या हो तेज दुख है तो भाई जिस तरह तेरी मेहर होगी ना वो तीनों दुख ना वो चे भूत प्रेत दुख है ना वो के दूसरा उन्हें मेरी कहानी दो चार चार दवाइयाँ ले आया मैं दवाई खानी में खाना तो नहीं पर ये मगर लगाया खाओ। तो स्वामी जी सजीवन भूति दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज में काम हो गया पा थोड़ा सा आप दैहिक का कष्ट ही दूर हो जाएगा सजीवन भूति तो राम चंगा अच्छा हूँ बाकी कर पूरा छाल तो नहीं हो रहा लिए पूरा आप तो हो रहे हैं पूरा हो छाल क्या छे छाल पूरा हो गया नहीं मारे जी हो रहे नहीं एक
डेढ़ हो गया पूरी आरती नहीं हुई, डेढ़ छंद हो गया, एक दो छंद हो गया ना, पूरा छंद नहीं हुआ, पूरा डेढ़ छंद हो गया ना, एक छंद ये हो गया, एक तुझी गाल नहीं सुनी मैं क्या, एक छंद पढ़ो रोज एक एक बड़े अर्थ बड़े गए तू जा चल के ओदी दो छुपाई हुई दो रह गई एक एक की छुपाई रह गई संसार के दुख मिटाने वाले राम भव खेद छेद ये वेद कह रहा हे राम तू संसार के दुख मिटाने वाले सारे दुख मिटा भव खेद छेद रक्ष हम रक्ष करो रक्ष राम नमाम है नमस्कार नमस्ते नमस्ते नमस्ते।